नहीं हो सकता यार। ओ माय गॉड, मेरा दोस्त, मेरा प्यारा दोस्त, तुझे क्या हो गया ब्रो? और आखिर ये ज़ॉम्बी कहाँ चला गया? हे ज़ॉम्बी, तू कहाँ है? तू मेरे सामने है, फटाफट से, मैं तुझे बहुत मारूंगा। गाइस, मेरे दोस्त को इसने मार दिया है और अब मुझे गाइस कुछ भी करके अपने दोस्त को उसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। सो मैं इसकी ग्रेव को यहाँ बना रहा हूँ ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले और ये यहाँ वहाँ ना भटके एकदम भूत बनके। सो मैं इसकी आत्मा की शांति के लिए ये सब कर रहा हूँ, मतलब पूजा वगैरह कर रहा हूँ। ओके, मैंने इसकी ग्रेव बना दी है यहाँ पर गाइस ताकि इसकी आत्मा ना भटके। और अब चलता हूँ मैं अपने घर की तरफ। तो गाइस, आप लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग दोबारा खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और मेरे को पता है यार कि माइनक्राफ्ट बहुत ही प्यारा गेम है, इसीलिए मैं इसको बार बार खेलता हूँ। सो चलते हैं। ओ वेट यार, ये सामने कौन कौन है? ओबे एलेक्स तो यहाँ पे क्या कर रही है? ओ यार, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं भाई, कैसे तुम लोग? मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पर ये लोग डांस कर रहे हैं सब लोग साथ मिलके। लेकिन गाइस यहाँ पर ये क्या है भाई? ओबे ये तो सीक्रेट पोर्टल है, लेकिन मेरे को लगता है ये सीक्रेट टनल्स है यार। ओ माय गॉड, यहाँ बहुत सारी है, 1 2 3 4 5 6, और हमको इन सबके अंदर जाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैं इसके अंदर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे सारे दोस्त कहते हैं तो मेरे को जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो। सो हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट वाले के अंदर और ये है गाइस पॉपी प्ले टाइम। और गाइस देखो, वो हमारे सामने खड़ी है, पॉपी प्ले टाइम, माय गॉड। और हम लोग उससे कैसे बचेंगे मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ से एक पिग आ रहा है ऊपर से, मेरे को लगता है ये हमको बचाने वाला है। नहीं, ओ यहाँ पर जो ये बंदा है वो इस पिग के ऊपर बैठ चुका है एंड बैठने के बाद शायद ये पॉपी प्ले टाइम को मारने के लिए जा रहा है। हाँ, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। वहाँ गाइस वो वहाँ पे पहुंच चुका है एंड वहाँ पहुंच कर वो पॉपी प्ले टाइम से फाइट कर रहा है। लेकिन क्या वो उससे फाइट कर लेगा? मुझे नहीं पता वो कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, लेकिन फाइट तो लगातार हो रही है। और ये क्या, पॉपी प्ले टाइम ने उस बंदे को मार दिया भाई। यार ये तो बहुत ही पावरफुल निकली। हमारा क्या होगा गाइस? यार कहीं मेरे को भी ऐसे ही ना मार दे। और वहाँ पे गाइस एक और बंदा आ चुका है, मेरे को लगता है ये प्ले टाइम उसको भी मारने वाली है, देखते हैं। और यहाँ पर क्या हालत कर दी इसकी यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं। गाइस सामने वो उसको भी मार रही है। नहीं, अरे छोड़ दे उसको, प्ले टाइम छोड़ दे, वो मेरा दोस्त है। शिट यार, ये सबको मार दे ही लगता है। लेकिन उससे पहले यहाँ मेरे को दिख गया है एक चेस्ट। ओके, तो गाइस मेरे को मिल चुका है एक खतरनाक सा बो, तो अब मैं इसको मारने वाला हूँ अपने बो से। एंड ये देखो भाई, ये कितने खतरनाक तरीके से मरने वाली है, क्योंकि जो मेरे पास ये बो है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही बड़ा है। एंड ये गाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे मैं इसको मार दूंगा। वेट करो आप लोग बस। ओके, आप लोगों ने देखा मैंने कितना इजी इस पॉपी प्ले टाइम को मार दिया भाई। मतलब भाई जो ये मेरे पास बो है ना, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है एंड इससे ज्यादा खतरनाक कुछ होता ही नहीं है। और यहाँ पर देखो, हम लोगों ने इस बंदे को रिवाइव कर लिया जो कि मर गया था। लेकिन गाइस सामने एक पोर्टल बन चुका है और मुझे लगता है हमको उस पोर्टल के अंदर जाना पड़ेगा। अगर हमें दूसरी सीक्रेट टनल्स के अंदर जाना है तो हमें इसके अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जो सीक्रेट टनल्स हैं वो तो वहीं पे हैं जहाँ से हम लोग आए। सो लेट्स गो दोस्तों, चलो फटाफट चलते हैं यहाँ से, हमारे सामने ये रहा पोर्टल। सो चलो चलते हैं। ओके, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हम लोग जहाँ से गए थे वहीं पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे देखो कितनी सारी सीक्रेट टनल्स हैं। सो हम लोगों ने जा चुके हैं हम लोग पॉपी प्ले टाइम के अंदर और अब जाने वाले हम लोग स्कैरी डॉल के अंदर। इसका नाम है स्क्विड गेम डॉल, तो उसको आप लोग जानते होंगे। सो लेट्स गो। सो हम लोग आ चुके हैं स्क्विड गेम डॉल के अंदर एंड वो हमारे सामने उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। पता नहीं वो क्या कर रही है, लेकिन ये एक गेम होता है और अगर हम लोग हिले तो वो हमको मार देगी। ये गेम का रूल है, मतलब जैसे वो पीछे मुड़ के देखेगी और हम लोग अगर हिले तो वो हमको वहीं पे मार देगी, तो इसलिए हमको हिलना बिल्कुल नहीं। ओके, तो मैं स्टॉप हो चुका हूँ और अब वो मेरी तरफ देख रही है, तो मैं स्टॉप हूँ और उसने पीछे मुड़ कर लिया। तो बार ये भागने की, फटाफट भागो 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 भागो, जल्दी भागो। ओ स्टॉप, वो मैं देख रही है स्टॉप और वो मैं नहीं देख रही है। भागो फटाफट, जल्दी भागो सामने की तरफ, इससे पहले कि पीछे दोबारा देखने लगे। ओ स्टॉप एलेक्स स्टॉप। ओके स्टॉप एम लोग। ओके चलो फटाफट आगे बढ़ो जल्दी। स्टॉप, ओ नो, हमारा एक दोस्त को उसने मार दिया क्योंकि वो स्टॉप नहीं हुआ था। ओके अभी वो नहीं देख रही है मैं। ओके क्या हम लोग जा, ओ स्टॉप भाई स्टॉप। ओके मैं स्टॉप हूँ। ओके प्लीज डोंट किल मी। ओके मैं बच गया फाइनली, मैंने ये लेवल कंप्लीट कर ली
मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई, ये बहुत ही टफ लेवल होती है, ऐसे कोई कर नहीं पाता है, लेकिन मैंने ये कर ली बहुत ही इजीली। लेकिन यहाँ पर एक हैकर है जो कि पता नहीं क्या कर रहा है रूम में बैठकर। मेरे को लगता है ये जो हैकर है वो सारे इकोसिस्टम को बेकार करने वाला है भाई, लगता है ये कुछ नए रूल डालने वाला है गेम के अंदर। और ये क्या, उसने डॉल को बना दिया स्कैरी डॉल। अबे अभी डॉल हमारे पीछे पड़ गई है, जल्दी भागो एलेक्स, एलेक्स वो तुम्हें मार देगी। ओह उसने एलेक्स को पकड़ लिया डॉल ने। लेकिन भाई अगर ये हैकर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इसको बहुत मारूंगा, तो इस सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। अगर ये हैकर नहीं होता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। एंड वो देखो डॉल उसे कहाँ लेके जा रही है, जमीन के अंदर। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए इससे पहले कि हम लोग भी चले जाएं। सो दोस्तों हम लोग दोबारा वहीं पे आ चुके हैं, लेकिन एलेक्स मर चुकी है। सो गाइस सो बहुत ही ज्यादा मेरे को बैड लग रहा है कि एलेक्स यहाँ पे नहीं रही, लेकिन एनीवे हम लोग जाने वाले। ओ वेट ये कौन है, ओ ग्रीन पांडा, वाओ आई थिंक ये पांडा नहीं है ये कोई और ही है। सो हम लोग जाने वाले, ओ अबे हाँ हम लोग तो इसी के अंदर जाने वाले हैं भाई। हाँ गाइस तो लास्ट वाली ये है, थर्ड वाली, सो लेट्स गो। इसका नाम है आई थिंक ग्रीन मॉन्स्टर, आप लोग बोल सकते हो इसे। हाँ इसका नाम ग्रीन मॉन्स्टर ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसी केव के अंदर नहीं आए इस बार, हम लोग तो यहाँ पे एक विलेज के अंदर आए हुए हैं। अरे यार वाओ नूब, सामने देख डायमंड का विलेज, मतलब ये सारे के सारे घर डायमंड से बने हुए हैं, और कितने कीमती कीमती ब्लॉक्स लगे हैं यहाँ पे। यार मैंने ये वर्ल्ड पहले कभी नहीं देखे यहाँ पे। लेकिन वेट, ये रहा मॉन्स्टर, ये वही ग्रीन मॉन्स्टर है जो कि हमने देखा था बाहर। माय गॉड ये तो जिंदा हो चुका है हमको मारने के लिए। नूब भाई भाग, वरना वो तेरे को पकड़ लेगा, जल्दी भाग वहां से ब्रो। नूब भाई मैं नहीं चाहता कि वो तेरे को पकड़ ले और वो तेरे को खा जाए। ओके तो भाई, अरे वाह नूब तो ऊपर पहुंच चुका है डायमंड के विलेज के ऊपर, वाओ घर के ऊपर। यार नूब तो बहुत ही चालाक निकला भाई, मेरे को पता नहीं था उसके बारे में। लेकिन मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ एक पिक के ऊपर, और जो ग्रीन मॉन्स्टर है ना वो हमारे पीछे आ रहा है गाइस, वो देखो पीछे से आ रहा है वो, मतलब उसने मेरे को देख लिया है। तो फटाफट मेरे को भागना पड़ेगा भाई, नूब तो पहुंच गया है उस घर के ऊपर, तो मैं कहाँ जाऊँ यार, मेरे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे क्या। यहाँ मेरे को एक घर मिल चुका है, लेकिन ये घर मेरे को काफी कमजोर लग रहा है। चलो चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। वाव यार वैसे ये घर अंदर से काफी सुंदर प्यारा लग रहा है मेरे को यार, लेकिन वेट ये घर तो बहुत छोटा था, फिर इतना बड़ा कैसे हो गया। माय गॉड इधर पूरी हवेली है भाई, और यहाँ पर केक भी है, अबे खाओ इसे, वाव यहाँ तो केक भी है भाई, मजा आ गया। लेकिन ये हवेली गाइस, यहाँ पर तो वो हैकर खड़ा हुआ है, हैकर यार ये वही हैकर है जो कि मेरे को लास्ट टाइम मिला था। ओ माय गॉड ये हैकर यहाँ पे क्या कर रहा है, अबे हैकर यहाँ से जा प्लीज, मेरे पास मत आ प्लीज हैकर। यार ये हैकर तो मेरे पास मेरे को पकड़ने के लिए आ रहा है। यार हैकर मेरे को छोड़ दे भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। गाइस लगता है ये हैकर चाहता है कि ये मेरे को अपने कब्जे में कर ले, एंड फिर मुझसे वो सारे काम करवाए जो ये नहीं कर सकता है। तो मेरे को अपनी शॉट से इसको मारना पड़ेगा, ये ले बेटा ये ले एक और ले। ओके मेरे को अपनी शॉट से मारना पड़ेगा इसको, ये ले एक और शॉट। ओके आई थिंक ये मरने वाला है। ओके ओके फाइनली ओ लिटरली ये मर चुका है काफी देर के बाद, लेकिन फाइनली मैंने इसको मार दिया। एलेक्स ये देख मैंने हैकर को मारा बिल्कुल अभी अभी, तू शायद काफी देर के बाद आई है, तूने देखा नहीं होगा लेकिन मैंने अभी हैकर को मारा है। सो गाइस एक टेंशन खत्म हो चुकी है, लेकिन डोंट वरी चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो मैं इस घर से बाहर निकल चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो, लेकिन वैसे ये घर बहुत छोटा है, लेकिन अंदर से इतना बड़ा कैसे है भाई, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है, लेकिन और कोई बात नहीं है। सो हम लोग आ चुके हैं दोबारा उसी डायमंड विलेज के अंदर, लेकिन बेचारा नूब अभी तक ऊपर है, और मेरे सामने ये रहा ग्रीन मॉन्स्टर। रुको भाई इसको अपनी सॉर्ड से मारता हूँ, मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक सॉर्ड है, और मेरे को लगता है मैं इसको अपनी सॉर्ड से मार सकता हूँ। ये देखो भाई मैंने फाइनली ग्रीन मॉन्स्टर को मार दिया, और मैंने इस सॉर्ड से इस मॉन्स्टर को मारा, एंड इस सॉर्ड से मैंने पॉपी प्ले टाइम को मारा, तो मतलब ये सॉर्ड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। लेकिन टाइम आ चुका है यहाँ से बाहर निकलने का फटाफट से। सो गाइस मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर, चलो फटाफट निकलते हैं। हमारा पोर्टल, हाँ ये रहा हमारा पोर्टल, सो लेट्स गो चलो निकलते हैं यहाँ से। ये सो फाइनली हम लोग वहीं पर आ चुके हैं दोस्तों जहाँ से हम लोग गए थे, और हम लोगों ने तीन लेवल कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी है फोर्थ वाले के अंदर जाने की, जो कि है गाइस आई थिंक एक कार्टून कैट। व्हाट भाई ये बहुत ही खतरनाक कैट होती है यार, मतलब कार्टून भूतिया कैट। ओह माय गॉड ये यहाँ से बाहर निकल चुकी है गाइस, देखो इसके कितने सारे हाथ हैं,
और ये कैसे हंस रही है? माय गॉड, कितने ज्यादा हाथ है इसके, और इसने मेरे पिक को मार दिया। भाई ये तो सिर्फ मैं बचा हुआ हूँ भाई, मैं और एलेक्स। माय गॉड, और अभी एलेक्स को मार रही है, इसने एलेक्स को मार दिया गाइस, और अभी मेरे पास क्यों आ रही है? ये वैसे देखने में कितनी ज्यादा खतरनाक।